Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of Social Science, Class 4, Chapter 11, Places of Interest. In this chapter, we are going to study about some important places of India where people usually go for a trip and which is a place of interest for the tourist. This chapter has many hard words, so within the chapter I will tell you the hard words, the meaning of that hard words, but before that some new words are coming in this chapter. We will study that first. Let us discuss the meanings. First word is minaret. Minaret is a high tower attached to a mosque from which the call of prayer is made. एक ऊँची building होती है, एक ऊँची मीनार होती है, जिसे English में minaret कहते हैं, जो कि एक mosque माने मस्जिद से जुड़ी हुई होती है और जिस पर जाकर वहाँ पर खड़े होकर या बैठकर अजान दी जाती है. आपने अजान सुनी होगी. अजान देने के लिए जो मॉस्क्यू से जुड़ी हुई बिल्डिंग होती है, एक टावर होता है, उसे मीनारत कहते हैं इंग्लिश में. हिंदी में इसे मीनार कहते हैं. नेक्स्ट इज़ मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. जहाँ पर एक मोनेस्ट्री उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बुद्ध जो बौद्ध होते थे वो अपनी वर्शिप करते थे. उस एक हॉल में, उस एक जगह में, वो प्लेस जो सराउंडेड प्लेस होता था वहाँ पर बहुत सारे हॉल बने होते थे जहाँ पर वो लोग यूजुअली अपनी प्रेयर्स करते हैं. नेक्स्ट है एलाबरेटली. एलाबरेटली मीन्स डिटेल्ड. किसी कोई भी काम बहुत ही बारीकी से और डिटेल में किया जाए तो उसे कहते हैं एलाबरेटली, with care and great detail. Next is Gopuram. Gopuram is towering gateway at the entrance of temple in South India. South India में, देश के दक्षिण भाग में, जहाँ जो भी गेट होते थे बड़े बड़े किसी भी टेम्पल में एंटर करने के लिए. आपने देखे होंगे टेम्पल्स में जब हम एंटर करते हैं तो बड़े बड़े गेट बने होते हैं, इसे साउथ इंडिया में गोपुरम कहते हैं. नेक्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स. मैन्यूस्क्रिप्ट इज हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स. जब पास्ट में प्रिंटिंग नहीं होती थी, जैसे हमारे पास आज पेपर है, पेन है, कागज़ है, इंक है, प्रिंटिंग प्रेस है, सब कुछ है. जब पुराने समय में प्रिंटिंग नहीं होती थी तो हाथ से जो भी चीज़ें हैं वो लिखी जाती थी. पास्ट का जो रिकॉर्ड होता था वो सब चीज़ें लिखी जाती थी हाथों से, और उन्हें कभी कभी पत्तों पर लिखा जाता था या कभी कपड़ों पर लिखा जाता था. तो हैंड रिटन जो भी रिकॉर्ड है होता था जो बुक्स के फॉर्म में होता था उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. सो लेट अस कम टू द चैप्टर नाउ. इंडिया हैज़ मैनी ब्यूटिफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है बहुत जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उन्हें मॉन्यूमेंट्स कहते हैं. इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं. दीज मॉन्यूमेंट्स हैव अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ टूरिस्ट बोथ फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. तो ये मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए इंडिया ही नहीं अब्रॉड से भी बहुत सारे लोग, अब्रॉड मीन्स विदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं. Let us read about a few of them. तो उनमें से कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या खासियत है हम जानेंगे. First one is कुतुब मीनार. This is कुतुब मीनार. This is the picture of कुतुब मीनार. So, कुतुब मीनार is one of the most famous landmark of Delhi. It is the tallest brick minaret in the world. It was built by Qutbuddin Qutb
ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस बिल्डिंग को बनवाया था, दिस वन, एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस लैंडमार्क ऑफ दिल्ली। इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली एंड ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी ईंटों से बनी हुई, ब्रिक्स से बनी हुई सबसे टॉलेस्ट मिनारेट है। मिनारेट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जहाँ से अजान दी जाती है, ऐसी एक टॉल बिल्डिंग को मिनारेट कहते हैं। इसके पास में आप मस्जिद देख रहे होंगे यहाँ पर, एंड दिस इज़ द मिनारेट। तो इसकी सबसे टॉल ऊपर जाकर यहाँ से अजान दी जाती है। तो इट वॉज यूज्ड फॉर दैट प्रेयर फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। तो इट वॉज यूज्ड इन द पास्ट एंड इट इज़ बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। द कुतुब मीनार, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज़ लार्जली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड इट इज़ अबाउट 238 फीट हाई। तो आप समझ सकते हो उस समय में कोई भी बड़ी गाड़ियाँ या फिर हमारे पास JCB जैसी मशीन्स वगैरह कुछ भी नहीं होती थी, और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, फिर भी इतनी लंबी ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग बनाने में कितना, मतलब लोगों ने कितना एफर्ट किया होगा, हाउ टफ इट वॉज। और कुतुब मीनार को की जो हाइट है, इट इज़ 238 फीट इसकी हाइट है एंड इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन लार्जली। इट इज़ में मतलब ज़्यादातर इसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया हुआ है। वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान आर कार्व्ड ऑन इट। इट इज़ सराउंडेड बाय सेवरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सच एज द क्वात उल इस्लाम मस्जिद एंड आयरन पिलर। तो ये जो बिल्डिंग है, इट इज़ सराउंडेड बाय मैनी मैनी मोन्यूमेंट्स। इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं, देखने को मिल जाएंगे आपको उसके आसपास, जिसमें से जो मस्जिद है उसका नाम है कुवात उल इस्लाम और आयरन पिलर। आयरन पिलर वहाँ पर बहुत फेमस है, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस जो बिल्डिंग है इसके ऊपर कुछ वर्सेस कार्व्ड की गई हैं। कार्व्ड मतलब गुदाई गई हैं, आपने देखा होगा पत्थरों पर गुदाई होती थी, तो उन ईंटों पर लिखी हुई है होली वर्सेस, मतलब कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं, कुरान के अंदर जो कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं वो उसमें लिखी गई हैं। टुगेदर विद द अदर मॉन्यूमेंट्स इन दैट एरिया दे फॉर्म द कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो इन सारी चीज़ों को, जो कुछ कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पर हैं, जैसे क्वैत उल इस्लाम मस्जिद है जो, और ये कुतुब मीनार जो बिल्डिंग है उस मीनारेट है, और उसके अलावा आयरन पिलर है, और भी कुछ बिल्डिंग्स जो वहाँ पर पूरे कॉम्प्लेक्स को मिलाते, इन सबको मिलाकर उसे कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज़ लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में रखा है इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट इज़ अजंता एलोरा केव्स। द अजंता एलोरा केव्स आर लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। देर आर 29 केव्स एट अजंता। दीज केव्स वर बिल्ट बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो। Some of these caves were used as monasteries by the monks, while others were used as prayer halls. तो ये जो अजंता एलोरा caves हैं, उनमें ये paintings बनी हुई हैं, इस तरह की paintings बनी हुई हैं। आप सोचिए आज के time पर ये paintings बनाना, it is quite easy, but at that time जब ना color होते थे ना brush होते थे, पेड़ों से ऑर्गेनिक कलर यूज़ किए जाते थे, पेड़ों से, फ्लावर्स से, और फिर उसके बाद में जो ब्रश होता था वो बनाया जाता था पेड़ों की छाल से, लकड़ियों से,
उन्हें ब्रश का शेप देके बनाया जाता था और तब इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाना, ये जो बात है ये 2000 ईयर्स पुरानी बात है लगभग, और आज भी ये पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत बनी हुई हैं। तो जो गुफाएं हैं अजंता और एलोरा, दो जगह हैं उनको टुगेदर बोला जाता है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और उन गुफाओं में ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और अजंता में 29 केव्स हैं। अजंता की जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनाई थी, जो बौद्ध गुरु होते थे, जो लोगों में अपने धर्म का प्रचार करते थे, उन्होंने ये जो गुफाएं हैं वो बनाई थी और उन गुफाओं में वो बैठकर अपनी प्रेयर्स करते थे। उसमें कई सारे प्रेयर हॉल्स भी हैं। नेक्स्ट वन इज़ देयर आर 34 केव्स एट एलोरा। एलोरा जो है वहाँ पर 34 केव्स हैं, वो भी गुफाएं हैं, लेकिन एलोरा हैज़ मैनी बुद्धिस्ट जैन एंड हिंदू केव टेम्पल्स। तो जहाँ आपने देखा कि अजंता में केवल 29 केव्स हैं और वो केवल बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनाई थी, यहीं जो एलोरा केव्स हैं वो बुद्धिस्ट जैनिज्म और हिंदुइज्म इनके सबको प्रूव करती हैं, और वहाँ पर इन सब के टेम्पल्स बनते हैं, बुद्धिस्ट के, जैनिज्म के और हिंदुइज्म के। अमंग द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट केव्स इन वन विच शोज़ अ 15-foot स्टैचू ऑफ अ सीटेड बुद्धा। तो यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं उनमें 51-foot ऊंचा बुद्ध का एक स्टैचू बना है जो बहुत ही फेमस है। और जैनिज्म का प्रूव हमको मिलता है, द जैन केव टेम्पल आर नोटेबल फॉर देयर सिंप्लिसिटी, सम ऑफ द केव्स हाउएवर हैव रिच पेंटिंग ऑन देयर सीलिंग्स। तो जो सीलिंग्स हैं, जो छत है जब नीचे से आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं और बहुत ही सिंपल है। तो उस ज़माने में एक इतनी ऊंची गुफा और उसकी गुफा की छत में पेंटिंग करना, सोचो कितनी मुश्किल से, मतलब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और उस समय पे लोगों ने ये पेंटिंग्स की हैं और उस जगह को, हॉल को डेकोरेट किया है अपने प्रेयर हॉल को। और ये जैनिज्म के बारे में बताते हैं इन जो पेंटिंग्स हैं, या ये गुफाओं से पता चलता है कि जैनिज्म भी लगभग 2000 ईयर्स पुराना एक रिलीजन है। नेक्स्ट इज़ हिंदू टेम्पल्स आर आल्सो देयर। तो द मोस्ट स्प्लेंडेड ऑफ द हिंदू केव्स, तो हिंदू केव्स भी बहुत सारी है वहाँ पर। एंड केव टेम्पल इज़ द कैलाश टेम्पल, इट इज़ कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल रॉक। वहाँ जो हिंदू टेम्पल है, उनमें बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं लेकिन उनमें सबसे सुंदर जो है दैट इज़ कैलाश टेम्पल, वहाँ पर गुफाओं में। और उसमें बहुत ही अच्छा सुंदर काम किया गया है, एंड इट प्रूव्स दैट बिफोर 2000 ईयर्स भी जो हमारी संस्कृति है वो कितनी रिच थी और हमारा जो आर्ट वर्क था वो कितना खूबसूरत था। एंड इट इज़ कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, और उसकी खासियत ये है कि एक ही सिंगल पहाड़ से या सिंगल एक रॉक से, एक सिंगल पत्थर से बनाया गया है पूरा का पूरा टेम्पल। पूरा टेम्पल सिर्फ एक सिंगल रॉक से बनाया गया है, उसकी ये खासियत है कैलाश टेम्पल की। द अजंता एलोरा केव्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यूनेस्को ने भी और बाकी मतलब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट इज मीनाक्षी टेम्पल। दिस इज़ द थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी। इफ यू कैन लुक एट दिस, मीनाक्षी टेम्पल इज़ एट मदुरई इन तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट के मदुरई शहर में है ये मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्कल्पचर, एंड इट इज़ एलोबरेटली एंड कार्व्ड गोपुरम्स
एंड गेटवेज, तो इसके जो दरवाजे हैं गोपुरम्स हैं एंड उस पर बहुत ही सुंदर काम किया गया है। ये सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, अगर आप देख सको तो ये सारी मूर्तियाँ बनी हैं, बहुत ही बारीकी से इसमें बनाई गई हैं। और उसके जो गेट्स हैं वो और बहुत ही खूबसूरती से बड़े बड़े गेट्स बनाए गए हैं। और उस ज़माने में इतना, मतलब लगभग 6th सेंचुरी की बात है, ये लगभग 6th सेंचुरी में ये टेम्पल्स बनाए गए थे। और आप सोच सकते हैं कि इनको बनाने में कितना हार्डवर्क लगा होगा, क्योंकि दीज ऑल आर हैंडमेड थिंग्स, है ना। आज जैसे मशीन्स उस समय पे अवेलेबल नहीं थी। इट इज़ फेमस फॉर इट्स हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। तो ये जो मीनाक्षी टेम्पल है, वाई इट इज़ फेमस, बिकॉज इसमें 1000 पिलर्स हैं, जो खम्भे हैं वो 1000 खम्भे इसमें लगाए गए हैं। और इसका जो एक हॉल है उसमें 1000 पिलर्स है। दिस हॉल ऑल्सो हाउसेज द टेम्पल आर्ट म्यूजियम। जस्ट आउटसाइड द हॉल आर द म्यूजिकल पिलर्स। तो और इस हॉल के अंदर तो जो भी, मतलब प्रेयर हॉल जो बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत है, वो पिलर्स भी अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन इस हॉल के जस्ट बाहर जो पिलर्स लगे हुए हैं वो म्यूजिकल पिलर है। मतलब इफ़ यू स्ट्राइक दीज पिलर्स विद अ रॉड यू विल हियर डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स। तो अगर आप किसी भी एक रॉड से या डंडे से या किसी चीज़ से जब इन पिलर्स को ठोकोगे या कोई भी बैंग करो, स्ट्राइक करोगे, तो इनमें से आपको हर बार अलग म्यूज़िक की म्यूज़िक सुनाई देगा, और बहुत ही अलग अलग डिफरेंट नोट्स म्यूज़िक के सुनाई देंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आवर चैप्टर एंड नेक्स्ट 4 टॉपिक्स आर रिमेनिंग, तो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।